खुल के देखो, मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखा दूँ एक बार, देखो कैसा निकल रहा है एकदम ज़बरदस्त। ये देखो, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं गोलगप्पा कैसे बनता है तो बिल्कुल देखो, ये बिल्कुल सही एकदम जो भी है एकदम आप लोगों के सामने एकदम ऐसा आपका भी बनेगा। लेकिन आप लोग जब ऐसा बनेंगे जब सिर्फ एक बार देखो एकदम फर्स्ट क्लास मेरे जैसा बनाओ। यहाँ देखो कितना सारा हमारा अभी तक फ्राई हुआ है। और ये देखो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के शानदार वीडियो में। दोस्तों जो मैं आज रेसिपी बताने जा रहा हूँ गोलगप्पा का, ये रेसिपी सिर्फ है जो हमारा गेहूं का आटा और हमारा सूजी बारीक सूजी है, ये दोनों मिला के ही आज गोलगप्पा बनाऊंगा। बिल्कुल एकदम जबरदस्त एकदम फर्स्ट क्लास। आप लोगों को जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, अगर ये मेरे तरीके से आप बना लिए तो आपका गोलगप्पा बिल्कुल परफेक्ट एकदम जबरदस्त बनेगा, कसम से बता रहा हूँ। सिर्फ आप लोग एक बार देखो उसके बाद बनाओ, बिल्कुल जबरदस्त है। अगर आप लोग सोच रहे हैं गेहूं के आटे का गोलगप्पा बनाना है तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा दूं गोलगप्पा बना कैसा है हमारा। आप लोग देख सकते हैं हमारा ये आप लोग देख सकते हैं हमारा गोलगप्पा कैसा एकदम, ये हमारा गेहूं के आटे का ही है। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे गोलगप्पा बनाना तो आप लोग सिर्फ एक बार देखो उसके बाद बनाओ, बिल्कुल जबरदस्त एकदम परफेक्ट ही बनेगा। आप लोग इसका आवाज सुन सकते हैं, देखो ये देखो इसका आवाज कैसा है। ये हिसाब से अगर आप लोग सोच रहे हैं गोलगप्पा बनाना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, सिर्फ एक बार देखो उसके बाद बनाओ। चलो मैं अब शुरू करता हूँ गोलगप्पा। देखो, हम सबसे पहले लेंगे अपना गेहूं का आटा। आज जो गोलगप्पा बनाना है सिर्फ गेहूं के आटे से ही बनाऊंगा। देखो ये आ गया हमारा, ये 250 ग्राम के करीब ये हमारा गेहूं का आटा है। और इसमें 50 ग्राम हम डालेंगे अपना सूजी, ये 50 ग्राम सूजी, देखो ये 50 ग्राम सूजी, उसमें थोड़ा सा अपना खाने का सोडा, ये थोड़ा सा मुश्किल से 1 ग्राम बस। अब ये इसको अच्छे से मिला लेंगे हम बढ़िया से, ये देखो ये हिसाब से अच्छे से मिला लेंगे इसको। ये ऐसा अच्छे से मिलाने के बाद खूब बढ़िया से उसके बाद हम लगाएंगे इसका आटा। ये हिसाब से अब मिला लेंगे अच्छे से फटाफट। ये अब ऐसा मिलाने के बाद हम लगाएंगे इसका आटा। आज अगर देख लिए तो एकदम गेहूं का आटे का बनाने का तो पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा, पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ। और शुरू से आखिरी तक दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि कितना टाइम हुआ। देखो अभी हम आटा लगा रहे हैं, जब टाइम क्या हो रहा है देखो, 7 बज रहे हैं। और जब फ्राई करूंगा कब, अब देखो पूरा अच्छे से मिलाने के बाद हम लगा लेंगे इसका आटा। ये हिसाब से देखो, हम फटाफट आटा लगा लेते हैं। ये है बिल्कुल आसान तरीका गेहूं का, ये गेहूं के आटे का गोलगप्पा बनाने का बिल्कुल सरल और बिल्कुल आसान तरीका है। ये हिसाब से अगर बनाएंगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त ही बनेगा। यह है हमारा, आप लोग अगर गोलगप्पे वाले से सीखना चाहते हैं कि हाँ गेहूं का आटे का गोलगप्पा बनता कैसे है, तो ये है हमारा असली तरीका। देखो ये घर पे बनाने के लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा अब, कि आप लोग घर पर बहुत आसानी से ही बना लेंगे एकदम मस्त कुरकुरी जबरदस्त। देखो ये हिसाब से आटा लगा लेने का इसका, और कभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी मिलाए ताकि एकदम अच्छा जबरदस्त तुम्हारा भी बने। मैं आप लोगों को आज हर चीज़ दिखाऊंगा कि हाँ मतलब ये बनता कैसा है और फूल कैसा रहा, हर चीज़ क्रिस्पी करंची है कि नहीं है, आप लोगों के सामने ही फ्राई करूंगा। ये मैं वीडियो नहीं बनाने के लिए बना रहा हूँ कि मतलब मैं वीडियो बनाने की, आप लोगों को सिखाने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो लोग सोचते हैं घर बैठे बना के खाना तो उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, और जो लोग बेचने के लिए सोचते हैं कि आटे का गोलगप्पा बनता कैसे है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये है हमारा असली तरीका। अब इसको हम आटा लगाने के बाद इसको भर के रख देंगे करीब एक के अंदर, 10-15 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद मस लेंगे इसको अच्छे से बिल्कुल, उसके बाद फिर बनाएंगे पेड़ा। ये आप लोग देख सकते हैं हो गया हमारा आटा एकदम रेडी। अब उसके बाद इसको भर के रख देंगे हम, ये इसको डालेंगे अब करीब एक पन्नी पॉलीथीन के अंदर। ये देखो ये है आज गेहूँ का आटे का गोलगप्पा, और इसमें कभी भी सूजी बहुत नाम के लिए डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये हमारा 250 ग्राम गेहूं का आटा और 50 ग्राम सिर्फ सूजी है। अब छोड़ देते हैं इसको 15 मिनट के बाद, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या करना है। अब देखो ये 15 मिनट के बाद हम इसको ये हिसाब से मसल लेंगे अच्छे से जल्दी जल्दी फटाफट, उसके बाद हम इसका बनाएंगे पेड़े फटाफट।
देखो ये हिसाब से, ये हिसाब से मसल लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से, ताकि अच्छा साफ हो जाए हमारा आटा। ये इसके बाद देखो अब बना लेंगे इसका पेड़ा हम। ये पेड़ा बनाने का तरीका हमारा कुछ ऐसा है, ये फटाफट देखो। अब इसको जल्दी से काट लेंगे फटाफट, ये चार टुकड़े में देखो। काटने के बाद अब इसके छोटे छोटे हम पेड़े बनाएंगे, और इसको देखो काटने के बाद इसको भी वापस ऐसा पन्नी में ही रखें ताकि सूखे ना बिल्कुल, आपका बिल्कुल ज़बरदस्त बने। और पेड़ा बनाने का हमारा तरीका कुछ ऐसा है, देखो ये हिसाब से लंबा कर लेंगे पहले थोड़ा सा, लंबा करने के बाद फिर छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे ये हिसाब से। अगर गेहूं का आटे का गोलगप्पा बनाना है तो बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल आसानी से घर पर बना सकते हैं ज़बरदस्त। चाहे बेचने के लिए बनाओ, चाहे खाने के लिए बनाओ, चाहे होलसेल के लिए, कोई भी किस तरीके से भी बना सकते हैं। देखो ये हिसाब से ये हो गया हमारा पेड़ा, अब पूरा काट लेंगे फटाफट। अब देखो ये पेड़े बनाने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल वही गेहूं का आटा फिर से हल्का समार के ये हिसाब से मिला लेंगे। देखो ये हिसाब से मिलाने के बाद वापस फिर पन्नी में ही निकाल लेंगे, कैरी बैग में वापस निकाल के रख लेंगे। देखो अब उसके बाद इसको हम बेलेंगे। ये आ गया हमारा पेड़े रेडी हो गया, देखो ये। और मैं जो बताने जा रहा हूँ, देखो ये आप लोगों को जो दिखाने के लिए बनाया ये है इसके पेड़े, और बाकी हमारा देखो ये है हमारा यही पेड़े। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा ये जो बता रहा हूँ आप लोगों को अलग है और जो मैं बना रहा हूँ ये अलग है, सब सेम है। देखो हमारा पानी पूरी का गोलगप्पे का भी आप लोगों के सामने देखो अभी बेलना चालू है, ये है हमारा तरीका। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं पानी पूरी गोलगप्पा पानी पतासा बनाना, तो बिल्कुल आसान तरीका है ये हिसाब से बनाओ, ताकि आपका भी बिल्कुल अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास बने। देखो कैसा बेला जा रहा है, हमारे कितने सारे लोग बेल रहे हैं अभी ये हिसाब से। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं गोलगप्पा पानी पूरी बनाने का, तो बिल्कुल आसान तरीका है ये देखो जो भी है मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा पूरा बिजनेस ही पानी पूरी का, हम लोग कारोबार पानी पूरी का करते हैं। देखो अब मैं आप लोगों को जब अभी फ्राई करूँगा तब दिखाऊंगा कि हाँ कैसा बन रहा है और कैसा नहीं बन रहा है। बिल्कुल आसान तरीका, मैं सोचता हूँ कितना अच्छे से अच्छा बताऊँ, ताकि आपका बिल्कुल एकदम मेरे जैसा ही बने, आप लोग घर पर बिल्कुल आसानी से बना कर खाएं। ये देखो ये आप लोग देख सकते हैं, देखो ये हमारा गोलगप्पा जो अभी आटा लगाया था इसका है ये। अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं गोलगप्पा बनाना, तो बिल्कुल आसान तरीका बिल्कुल ज़बरदस्त ये हिसाब से अगर आप लोग भी बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल ज़बरदस्त एकदम बनेगा मेरे जैसा। अगर घर बैठे सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप लोग घर पर बहुत आसानी से ही बना लेंगे। देखो कैसा एकदम फर्स्ट क्लास निकल रहा है ऐसा फूल फूल के, देखो मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखा दूँ एक बार, देखो कैसा निकल रहा है एकदम ज़बरदस्त ये देखो। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं गोलगप्पा कैसे बनता है, तो बिल्कुल देखो ये बिल्कुल सही एकदम जो भी है एकदम आप लोगों के सामने एकदम ऐसा आपका भी बनेगा। लेकिन आप लोग जब ऐसा बनेंगे जब सिर्फ एक बार देखो एकदम फर्स्ट क्लास मेरे जैसा बनाओ। यहाँ देखो कितना सारा हमारा अभी तक फ्राई हुआ है, और ये देखो ये मैं आप लोगों को एक बार चेक करवा दूँ कैसा है, ये गर्म है अभी ये देखो देखो कुरकुरा करती एकदम बहुत गर्म है। लेकिन अभी आप लोग एकदम ज़बरदस्त ये हिसाब से बनाओ, बिल्कुल मेरे जैसा ही बनेगा परफेक्ट एकदम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।